हमें आपको आश्वासन देना चाहते हैं सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को कि आप पूरे हरियाणा में जा रहे हैं, जोरदार तरीके से आपका स्वागत हो रहा है, 36 बिरादरी आपका स्वागत करने का काम कर रही है। हमें याद है वो दिन, न केवल वो दिन याद है, दुख हुआ, हम लोग सब रोए थे जिस दिन आप वो चुनाव हारे थे। हमें बहुत दुख हुआ था कि हमारा भाई दीपेंद्र हुड्डा जो आपकी लड़ाई लड़ता है, हम लोग सब हारे। हमारा नेता जिस दिन हारा, भाई दीपेंद्र हुड्डा हारे, भूपेंद्र हुड्डा हारे, हम लोग सब उस दिन रोए थे। क्यों? क्योंकि इतना शरीफ व्यक्ति जिसने अपनी जी जान आप लोगों के लिए लगा दी, उनके साथ धोखा हुआ। अब हम ये धोखा आपको ये आश्वासन देते हैं, हम ये धोखा नहीं होने देंगे और बूथ पर आपकी लड़ाई को लड़ते हुए उस न्याय का बदला लेने का काम करेंगे। मैं जरूर कहना चाहती हूँ, हमारी सारे बुजुर्ग, हमारे माता, हमारे बहने, हमारे युवा साथी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का जब नतीजा आया था, हमें बहुत दुख हुआ था, हम बहुत रोए इस बात को लेकर, लेकिन 5 साल हमने मजबूती से मेहनत की है। हम आपको ये आश्वासन देना चाहते हैं, ना आपकी बहन, ना आपका भाई, ना आपका बेटा, ना आपका बुजुर्ग कोई पीछे नहीं हटेगा और मजबूती के साथ जो है आपको जिताने का काम करेगा। ये तो ऐसी ताकतें हैं जो हमेशा धर्म जाति बिरादरी के नाम पर जहर घोलने का काम करती है। आज 36 बिरादरी हाथ खड़ा करके आश्वासन दे कि हम सब मिलकर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को आशीर्वाद देते हैं, उनको ये आशीर्वाद देने का काम करते हैं कि कोई इस बात को ठगी नहीं में नहीं आएंगे और हम पूरी तरह से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को यहां से जो है पूरी तरह से जिताने का काम करेंगे।